नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जीबिशनिज्म के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल में रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को भर्ती करते हैं, मानसिक रुग्णों को। एक हॉस्पिटल है, वहाँ रिश्तेदारों के अलावा पेशेंट को भर्ती करते और उनका इलाज करते। कभी सेक्स के पेशेंट ऑनलाइन काउंसिलिंग भी हमसे करवा लेते हैं। एग्जीबिशनिज्म ये एक लैंगिक समस्या है, लैंगिक बीमारी है। यह अंदाज 20 साल के उम्र में ज़्यादा दिखाई देती है। इसमें से 50% लोग शादीशुदा रहते हैं। और एग्जीबिशनिज्म को फ्लैशिंग भी कहते हैं, फ्लैशिंग, उसका नाम फ्लैशिंग भी है, या इनडिसेंट एक्सपोजर भी उसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि ये व्यक्ति पब्लिक प्लेस में या क्राउडेड प्लेस में या अकेलेपन में भी अपोजिट सेक्स को अपना गुप्तांग बताता है, प्राइवेट पार्ट बताता है, और वो प्राइवेट पार्ट बताने में उसको बहुत मज़ा आता है। उसको मज़ा और ये बात का आता है कि वो बताने के बाद में सामने वाला या सामने वाली व्यक्ति जो है वो डर जाती है, घबराएंगी और या घबरा जाती है, या उसको एक जो ऐसा दचक जाना, ऐसा एक अनुभव आता है सामने वाले को, बस वो देखने से इसको मज़ा आता है कि मैंने कैसा किया और उसको कैसा एकदम धक्का बैठ गया। ये एग्जीबिशनिज्म करने में उसको सेक्स करने इतना मज़ा आता है और वो करते रहता है बार बार। तो पब्लिक प्लेस में ऐसे प्राइवेट पार्ट बताना, कभी कभी ये लोग मास्टरबेशन भी करते, हस्तमैथुन भी पब्लिक प्लेस में करते बताते हैं, और उसमें सामने वाले डर भी जाते हैं कभी और वो भाग जाते हैं। लेडीज़ वगैरह रही तो वो डर के चिल्लाएंगी, भाग जाएंगी। हो सकता है कि ये व्यक्ति की कंप्लेन भी हो सकती है और क्रिमिनल ऑफेंस भी दर्ज हो सकता है। ये लोगों को इसके साथ साथ चिंता रोग, उसकी बीमारी मतलब उसके लक्षण दिखाई देते हैं, डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। ये लोगों में ज़्यादा अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज़, नशे की दवा खाने की आदत, वो ज़्यादा दिखाई देती है। इनका इलाज करने के लिए हमारे पास में कुछ मेडिसिन है जो इतनी काम की नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, मगर फ्लॉक्सेटिन जैसी दवाई से फ़र्क पड़ सकता है। और इनका पास्ट लाइफ देखना पड़ेगा। हिप्नोथेरेपी में हम पास्ट लाइफ देखते हैं, पास्ट लाइफ में हुआ क्या है, सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है क्या, कहाँ इनकम्प्लीशंस है, कहाँ दिमाग में एक ऐसा आघात हो चुका है, सदमा पहुँचा है, सेक्सुअल लाइफ में या सेक्स के बारे में इनके बचपन में ऐसा क्या हुआ था कि इनको इस तरह की बीमारी आ गई, तो ऐसा उसका खुद काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है। साइकोथेरेपी, मानसोपचार, काउंसिलिंग, इससे लोग अच्छे हो जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं मगर वो बाहर आते नहीं, साइकेट्रिस्ट सिर्फ इसका इलाज, इनका इलाज होता नहीं है। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ताकि लोग अपने अपने जगह पर साइकेट्रिस्ट से अपना इलाज करवा के लेंगे और ये बीमारी से मुक्ति पाएंगे। लोग हमारे से भी जो नंबर हमने दिए उसके ऊपर ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसके अंतर्गत मैं काफ़ी जगह जाता हूँ, रोटरी लायंस में, वहाँ लोग हमको बुलाते हैं, वहाँ भाषण देते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, ड्रग्स के बारे में, और लोगों को एक नया जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप जब लाइक करते तो हमारा उत्साह दुगना हो जाता है। जो बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।